बिग बॉस के सीजन 16 से सुंबुल तौकीर खान के इवेक्शन के बाद फैमान खान के शो धर्मपत्नी पे टूटा पहाड़। फैमान खान का ये बड़ा शो होगा बहुत ही जल्दी ऑफ एयर। फैमान और सुंबुल नज़र आएंगे एक नए शो में। चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या है सनसनीखेज खबर। ये खबर जो है वो सबसे पहले आपको हमारा चैनल दे रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट की सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों फैमान खान और सुंबुल तौकीर खान को लेके जो लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहता है, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल्स हो या फिर फैन फॉलोइंग की बात हो, इन कपल्स को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। यही वो मेन रीज़न था जिसके चलते फैमान खान को कास्ट किया था एकता कपूर ने धर्मपत्नी शो के लिए। लेकिन जब ये शो ऑन एयर हुआ था तभी हमने आपको ये चीज़ें हिंट दे दिया था कि ये शो कहीं ना कहीं अपने लाइमलाइट को खोएगा और अपने बड़े एक्टर को भी कहीं ना कहीं बड़े एक्टर और बड़े नाम के चेहरे को भी डुबो न दे। कलर्स टीवी के वैसे भी शो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब जो बुरी खबर है धर्मपत्नी शो पे आने वाली है। धर्मपत्नी शो की TRP जब से शो शुरू हुआ है लगातार डाउन होती गई है और अब एकता कपूर और कलर्स ने ये डिसीजन ले लिया है वैलेंटाइन डे के पहले यानी कि 13 फरवरी को फैमान खान का ये पॉपुलर शो धर्मपत्नी ऑफ एयर हो रहा है। शो को रिप्लेस कर रहा है मुलक्की का नया सीज़न। वेल अभी तक बालाजी टेलीफिल्म या फिर मीडिया हाउसेस से कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ ये खबर बिल्कुल सच है, फैक्ट है। आने वाले दिनों में धर्मपत्नी शो ऑफ एयर होगा और मुलक्की सीज़न 2 इस शो को रिप्लेस करता हुआ नज़र आएगा। वैसे एक गुड न्यूज़ भी है, अगर आप सुमन के फ़ैन हैं यानी कि आप इमली शो को फॉलो कर रहे हैं और फैमान और सुंबुल के फ़ैन हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुल खान अपने नए प्रोजेक्ट को एक बार फिर रिलॉन्च करने जा रही है स्टार प्लस पे, तो ये एक बड़ा मौका है कि आपके फेवरेट कपल एक बार फिर गुल खान के बड़े शो में नज़र आ सकते हैं। वैसे उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि ये बुरी खबर है जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे कि फैमान खान के शो में सुंबुल की एंट्री होगी, तो फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपका क्या है ओपिनियन, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कि क्या फैमान खान के इस शो को ऑफ एयर कर देना बिल्कुल जायज़ है, सही था, या फिर आप समझते हो कि जी नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये शो को अभी महज महीने ही हुए हैं, शो को कुछ और वक्त देना चाहिए था, गुल खान के शो में नहीं फैमान और सुंबुल को एकता के ही शो में बने रहना चाहिए। लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।